हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है एमसीक्यू से रिलेटेड और बहुत ही आपकी डिमांडिंग वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा हम इजी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और अभी जो है हम एमपीसीएचओ के परस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से प्यार देंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं डेली डेली बेसिस पे जो आपके लिए एमसीक्यूज की वीडियो है वो लेकर आने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम यूनिट वाइज जो है डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं हमारे पास, पर एक वीडियो में जो है ज़्यादा दोस्तों 20 से 30 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे जिससे कि हम अच्छे से उनको समझ पाए। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने से क्या होता है, फिर आपको समझ में नहीं आते हैं। फर्स्ट है द ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एफर्ट्स दैट प्रमोट एंड प्रोलॉन्गिंग लाइफ आर कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, इम्प्रूव्ड एनवायरमेंट एसेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन इंप्रूवमेंट थ्रू एजुकेशन। यहाँ पे दोस्तों कम्युनिटी ऑफर्स, ऐसे क्या कम्युनिटी एफर्ट्स हैं ऑर्गेनाइज जो कि प्रमोट करते हैं हेल्थ और लाइफ को बढ़ाते हैं। तो कम्युनिकेबल इन्फेक्शन को रोकना, जी हाँ, लाइफ को बढ़ाएगा। इम्प्रूव्ड एनवायरमेंट एसेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, जी हाँ, अगर हम सेफ वाटर सैनिटेशन बढ़ाएंगे उससे भी जो है लाइफ जो है अच्छी होगी। पर्सनल हाइजीन बढ़ाएंगे तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, तो ये भी अच्छा रहेगा। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही हम गलत आते हैं एग्जाम में। आयुर्वेदा एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, आयुर्वेद सिद्धा जो है वो 1400 BC बिफोर क्रिस्ट जो है यहाँ पर आए हैं। द ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन नॉन एज यूनानी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो ग्रीक सिस्टम है जिसको यूनानी कहा जाता है वो मुस्लिम्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। द भोर कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1943 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी फोर कमिटी। CHEB स्टैंड्स फॉर, CHEB जो है वो स्टैंड करता है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो के लिए। ओके, CHEB, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेबल नहीं है कुछ। सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज इलनेस, ये इलनेस की डेफिनेशन है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अच्छे नहीं हैं, मतलब इलनेस अपील हो। हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर देयर, ठीक है, देर आर 8 डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देन क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंस ऑफ एनवायरमेंटल इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटीज, ये क्या है क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ क्या, वो जो इंटरपर्सनल टाइज क्या है इंसान के और कम्युनिटी के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसको बोलते हैं हम सोशल हेल्थ। ओके, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन ऑफ डिजीज, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन डिजीज क्या है, कॉन्टेजियस थ्योरी है। ओके, अलग अलग थ्योरीज हैं यहाँ पर। हेनले कोच पोस्टुलेट एक्सप्लेन, हेनले कोच पोस्टुलेट क्या एक्सप्लेन करता है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि जो डिजीज़ है वो जर्म कैसे होती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, ऐसा जो है इस थ्योरी ने बताया। द एक्शन हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एंड इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन रिलेट्स टू द विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। ऐसे एक्शन जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ को कम करते हैं इसकी शुरुआती स्टेज में, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के ऊपर दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप प्लीज़ जा करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छे मैंने अच्छे से समझा रखा है। द एक्चुअल लॉस और डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ एनाटॉमी और एन एब्रिएशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन दैट अकर्स कॉन्सिक्वेंट टू द डिजीज इज नॉन एज इम्पेयरमेंट, ठीक है। ऐसी चीज़ जो डिजीज़ के बाद होती है उसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर चेंजेस आना, वो कहलाता है इम्पेयरमेंट। द ट्रेंड मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर वुड ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर, ठीक है। क्या करेंगे आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के, ऑल ऑफ द अबव। ओके, देन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ये हमारी सेकेंड यूनिट से हम क्वेश्चन देख रहे हैं। हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड वेरियस लेवल, ठीक है, अलग अलग ऐसे करके लगभग हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे,
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे अगर आप जो है वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो, ठीक है, अन्यथा हम नहीं देखेंगे। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर मैन पावर, मनी एंड मटेरियल, तीनों चीज़ें चाहिए, ठीक है, लोग भी चाहिए और फिर पैसा भी चाहिए और मटेरियल, यानी कि पैसे से मटेरियल भी आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लान इज एन एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का प्लान है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, गोल और मॉनिटरिंग यहाँ पर हम नहीं कहेंगे। हाउ मेनी मेजर सेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ठीक, कितने सेक्टर जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया में, तो यहाँ पे आंसर जाएगा 5। मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल्स इन विच लेवल ऑफ NRHM प्रिवेंशन, ये जो मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स हैं वो टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में है, ठीक है, प्राइमरी में जो है सब सेंटर वगैरह हम डिस्कस करेंगे और सब सेंटर PHC वगैरह, ठीक है, फिर हम सेकेंडरी में जाएंगे तो वहाँ पे फिर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल है वैसे, और लास्ट में टर्शियरी में जो है हम बात करेंगे किसकी, मेडिकल कॉलेज की। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके VHND शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है, तो VHND कब ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक बार। टाइप बी PSC इज डिलीवरी लोड ऑफ 20 और मोर डिलीवरीज पर मंथ, ठीक है, टाइप बी जो PSC होता है उसके अंदर 20 डिलीवरी पर मंथ उस पे उसके ऊपर लोड होता है। एट PHC कैटर इट एक्स एज अ रेफरल यूनिट फॉर सिर्फ 6 रेफर अबाउट केसेज एट PHC, पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इन हिली एरिया, PHC कहाँ पर होता है, 20,000 इन हिली एरिया, ट्राइबल और डिफिकल्ट एरियाज एंड 30,000 इन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में 30,000 पे और ट्राइबल हिली या डिफिकल्ट एरिया में 20,000 लोगों पर एक PHC होना चाहिए। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज देयर इन डिलीवरी हेल्थ सर्विसेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होते हैं, 6 होते हैं। द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द डायरेक्टरेट ऑफ DGHS, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये कहाँ पे सारे सारे होते हैं हेल्थ सिस्टम में नेशनल लेवल पे, ऑल ऑफ दी अबो दोस्तों। नेक्स्ट इज CHC कहाँ पर होता है, 80,000 से 1,00,000, 80,000 कहाँ पर, जहाँ पर हिली एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ट्राइबल एरिया है वहाँ पर, और 1,20,000 जो है वो प्लेन एरिया में, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ CHC, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सारे फंक्शन होते हैं CHC के वैसे तो। रीजनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस डायरेक्टर इंस्पेक्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ पब्लिक हेल्थ विद इन दियर ज्यूरिसडिक्शन, उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जितने भी ब्रांचेस हैं उनको क्या करना, उनको इंस्पेक्ट करना उसका काम होता है दोस्तों। तो ये था हमारा जो है MPCHO से रिलेटेड, हम फर्स्ट क्लास थे दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ कमेंट आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं क्या जो है आप चाहते हैं, और इसी तरह के और MCQs आगे बनाएं या नहीं बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी वीडियो थी, ऐसी और ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा अगर आप अच्छे से रेस्पॉन्ड करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।